हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, हर टीम प्लेयर आईसीसी के सबसे बड़े इवेंट यानी वर्ल्ड कप के लिए हमेशा से तैयारी करते हैं ताकि वह आईसीसी के सबसे बड़े इवेंट में वह अच्छा प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 इस बार बड़े उलटफेर के लिए जाना जाएगा। दोस्तों, जब से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है तब से क्रिकेट फैंस को रोमांच का ऐसा डोज मिल रहा है जिसका यकीन शायद किसी ने सपने में भी नहीं किया होगा। दोस्तों, इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे उलटफेर हो गए हैं। इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में छोटी टीमों ने बड़ी और सबसे मजबूत टीमों को हराया है और उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टी20 वर्ल्ड कप में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या क्या उलटफेर हुआ है उसको जानते हैं। तो चलिए जानते हैं उन मैचों को जो टी20 वर्ल्ड कप में हमेशा बड़े अपसेट के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच एशिया कप 2022 की चैंपियन श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला गया था। इस मैच में यह उम्मीद की जा रही थी कि श्रीलंका इस मैच को आसानी से जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हरा दिया। दोस्तों, इस मैच में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 108 रन ही बना सकी। दोस्तों, श्रीलंका की टीम 19वें ओवर में 108 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यह टी20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे पहला और सबसे बड़ा अपसेट था। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर 17 अक्टूबर को हुआ। दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दो बार के टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज़ की टीम इस बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई भी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, 17 अक्टूबर को स्कॉटलैंड की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम को 42 रनों से हरा दिया और वेस्टइंडीज़ की टीम सुपर 12 में जगह बनाने में फेल हो गई। दोस्तों, इस मैच में स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज़ की टीम 118 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, स्कॉटलैंड से मैच हारने के बाद वेस्टइंडीज़ का अगला मुकाबला आयरलैंड के साथ था, लेकिन दोस्तों आयरलैंड ने इस मैच में वेस्टइंडीज़ को 9 विकेटों से हरा दिया। दोस्तों, इस मैच में वेस्टइंडीज़ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे, लेकिन आयरलैंड की टीम ने 17.3 ओवर में सिर्फ एक विकेट गंवाकर इस टारगेट को चेस कर लिया। दोस्तों, वेस्टइंडीज़ की टीम दो मैच हारकर क्वालीफाई स्टेज में ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। यह टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर और सबसे हैरान करने वाला रिजल्ट था। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का चौथा सबसे बड़ा उलटफेर 26 अक्टूबर को हुआ था, जब इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को आयरलैंड ने 5 रनों से हरा दिया था। दोस्तों, आयरलैंड की टीम ने इस मैच में 157 रन बनाए थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच में डकवर्थ और लुइस नियम के चलते आयरलैंड की टीम ने इस मैच को 5 रनों से जीत लिया। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम का रन चेस करते हुए 105 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, जिसका फ़ायदा आयरलैंड की टीम को हुआ और आयरलैंड ने इस मैच को 5 रनों से जीत लिया। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में पांचवा और सबसे बड़ा उलटफेर 27 अक्टूबर को सुपर 12 राउंड में जिम्बाब्वे की टीम ने किया। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने पहले मैच में हराया था, उसके बाद दूसरे मैच में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने 1 रनों से हरा दिया। लगातार दो मैचों में हारने के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद ना के बराबर थी। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने 130 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान इतने छोटे से टारगेट को नहीं बना सका और पाकिस्तान इस मैच को 1 रनों से हार गया। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 का यह भी एक अपसेट मोमेंट था। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में छठवां और इस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर और अपसेट के तौर पर इस मैच को याद किया जाएगा। दोस्तों, जब नीदरलैंड की टीम ने सबसे मजबूत साउथ अफ्रीका की टीम को सुपर 12 राउंड में हराकर साउथ अफ्रीका की टीम को इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। दोस्तों, एक समय में साउथ अफ्रीका ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर थी, लेकिन माना जा रहा था कि वह आराम से सेमीफाइनल में चली जाएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम एक के बाद एक लगातार दो मैच, पहले पाकिस्तान के खिलाफ और फिर दूसरा नीदरलैंड के खिलाफ मैच हारकर साउथ अफ्रीका की टीम
T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। दोस्तों, नीदरलैंड की टीम ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 145 रन ही बना सकी और साउथ अफ्रीका इस मैच को 13 रनों से हार कर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम नीदरलैंड को हराकर आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाती, लेकिन नीदरलैंड से मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। दोस्तों, यह T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट मोमेंट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम को इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन नीदरलैंड से मैच हारने के बाद वह इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। दोस्तों, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे सबसे मजबूत टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम थी। दोस्तों, इस बार T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, जॉर्ज बटलर, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो इस बार T20 वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाए हैं। हमें लगता था ये सभी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इसके साथ साथ राशिद खान, वनिंदु हसरंगा, कगिसोर अबाडा, एडम जंपा आदि राशिद जैसे गेंदबाज भी इस बार T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा विकेट नहीं ले पाए हैं। हमें लगता था कि ये सभी गेंदबाज इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस बार का T20 वर्ल्ड कप बहुत सारे उलटफेर के लिए जाना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे अपडेट के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।